राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पटना की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर शनिवार 1 जून को फायरिंग की गई। जानकारी के मुताबिक मसौढ़ी से लौटने के दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोली चलाई। हालांकि रामकृपाल इस हमले से बाल बाल बच गए। उनके साथ कार में सवार एक समर्थक को चोट आई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रविवार की सुबह टहलने निकले बीजेपी सांसद ने खुद पर हुई फायरिंग को लेकर कहा कि मैं हिंसा की राजनीति नहीं करता। 40 सालों में ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी को पत्थर मारा हो। राजद विधायक रेखा देवी पर आरोप लगाते हुए पूछा कि वो बूथ के अंदर किस अधिकार से गई थी। रेखा देवी की तरफ से FIR भी की गई। ये तो चोरी भी सीना जोरी भी वाली बात है। मुझ पर फायरिंग की गई, मेरे समर्थक के साथ मारपीट की गई, पुलिस मामले की जांच पर कार्रवाई करे। वहीं एग्जिट पोल पर रामकृपाल यादव ने कहा कि मोदी जी की सरकार बन रही है, मैंने भी निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा की है, जनता ने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।